साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इसके बाद से किस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी, किस तरीके से मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकेगी और साथ साथ राजनीतिक दलों में किस तरीके की हलचल भी दिखाई पड़ेगी, ये सारी चीजें कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों में तेजी से सामने आ रही हैं। लगातार गतिविधियों के बीच से राजनीति में अब जाकर यह माना जा रहा है कि जो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन का आखिर रुख क्या होगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनके जो रुख है उसके बाद से राज्य की राजनीति किस दशा देखी जा सकती है, किस दिशा में जा सकती है और साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब राजनीतिक दल किस तरीके से आगे की रणनीति बना पाएंगे। साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं फिलहाल जेएमएम की बात की जाए, बीजेपी की बातचीत की जाए या फिर उनके तमाम सहयोगी यानी कि एनडीए के सहयोगी या फिर कहा जा सकता है कि गठबंधन दल के सहयोगियों की बातचीत की जाए, तो सबकी नजर आज के राजनीति पे पड़ी हुई है और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि मुद्दों को लेकर जो बातचीत होनी चाहिए थी उस पर थोड़ी कहीं न कहीं कमी भी दिखाई पड़ रही है। आखिर ये जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद से राज्य का क्या होगा, किस तरीके से हम आगे की राजनीति को देखेंगे, तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही है जरा एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझते हैं और उसके बाद से हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके की राजनीति की बात की जानी चाहिए और साथ साथ इस तरह के मामले जब आते हैं तब राज्य की दशा और दिशा कैसे तय की जा सकती है। झारखंड में सरकार बनाने पर अमादा बीजेपी मिशन 50 के लिए मोहरे बिछाने में लगी है। गठबंधन के साथ जोर तोड़ में माहिर बीजेपी के इस मास्टर प्लान का नजारा दिखने लगा है। झारखंड की सरकार को झटके पर झटके दे रहे बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके ही मोहरे से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में पटकनी देने की पटकथा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मिशन 50 को लेकर बीजेपी की नजर कोल्हान क्षेत्र के 14 विधानसभा सीटों पर थी। अपने संगठन के साथ आदिवासी नेता चंपाई सोरेन की ताकत के साथ अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति पर बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है। क्षेत्रीय दल में काम करते थे, अब राष्ट्रीय दल में सबसे बड़ा पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। झारखंड को विकास करना और आदिवासी के अस्तित्व जो खतरा में है, जो हमने काल पोष किया है, उससे इससे बढ़िया मच हमको कहीं नहीं है। इसीलिए आदिवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए ही हमने कदम बढ़ाया है और झारखंड को विकास करना। दादा जो आपके आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठ से यहाँ झारखंड को मुक्ति दिलाएंगे और यहाँ झारखंड को विकास करेंगे। घबराते नहीं है, संघर्ष समय कितना होते रहते थे जब, इसीलिए हम उससे कोई हमारा थोड़ा भी हम विचलित नहीं है और किसी तरह का हमारा होते रहता। बीजेपी का साथ मिलते ही चंपाई सोरेन के सुर भी बदलने लगे हैं। चंपाई अब पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर रहे हैं। चंपाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी बीजेपी का समर्थन किया। कभी बांग्लादेशी घुसपैठ को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बताने वाले चंपाई अब इसे लेकर हेमंत पर आक्रामक है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने फिर से सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी, चंपाई सोरेन। जनता ने मेरा संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। पार्टी में कोई ऐसा फोरम मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता। मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। आज बाबा तिलका मांझी और सेदो कानू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आदिवासियों और मूलवासियों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं घुसपैठिए। इस मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। चंपाई अब बीजेपी के सिपाही है। कभी चंपाई सोरेन को अपने पिता तुल्य बताने वाले हेमंत पर चंपाई की जासूसी कराने का आरोप लगा है। आशंका तो ये भी जताई गई कि चंपाई सोरेन का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था। राजनीति में कुछ भी तय नहीं, यहाँ पल में पराए और अपने पराए लगने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।
तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राज्य की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से आने वाले समय में चुनाव में किस तरीके की रणनीति बन सकती है, तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में एक राजनीतिक रूप देखा जा सकता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, अशोक बड़ाइक जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं और बटर सिंह दयोल हमारे साथ जेएमएम से जुड़ने वाले हैं। तीनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा चलते हैं कमल जी के पास। कमल जी, गठबंधन की जब जब हम चर्चा कर मजबूती की बात सामने आती थी और लगातार ये कहा जाता है कि गठबंधन एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों की चर्चा की जाए, चंपाई सोरेन का जाना किस तरीके से आज के परिवेश में देखा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिर्फ हलचल दिखाई पड़ रही है, मुद्दों की बातचीत कम दिखाई पड़ रही है, चुनाव की तैयारी ज्यादा देखने को मिल रही है और ऐसे माहौल में पार्टी छोड़ना और पार्टी में जाना दोनों कहीं ना कहीं दूसरी तरफ संकेत देते नजर आ रहे हैं। राकेश जी, किसी भी आदमी को पूरा अधिकार है जिस दल से चाहे वो चुनाव लड़ सकता है और दूसरे दल में जा सकता है। चंपई सोरेन जी ने भी यही काम किया है, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत जबरदस्त है। परसों दिन प्रभारी सह प्रभारी जो बीजेपी के हैं हेमंता बिस्वा सरमा जी, उन्होंने वक्तव्य दिया आप जैसे पत्रकारों के समूह के बीच में कि पिछले 5 से 6 महीने से चंपई सोरेन जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में थे और ये बात जेएमएम या गठबंधन जो था उसके भी सूत्र से ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं चंपई जी जो है बीजेपी के संपर्क में है। तो जब उन पर सवाल उठा जी, तो उनको लगा कि पार्टी में मेरी किरकिरी होगी, तो उन्होंने एक कदम उठाया और जो कदम उठाया है तो मैं तो बहुत सीधा साधा बात करता हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं बात करना, तो उनके उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं बीजेपी में। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आज तक का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी आदमी जब बड़ी पार्टी छोड़ के जाता है किसी और दल में तो उसके मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, या कोई आदमी जब पार्टी को छोड़ता है तो उसका नामो निशान मिटने के कगार पर चल जाता है। एक आध चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि वो सर्वाइव किया है और पार्टी में किसी दल में या अपनी पार्टी बना के रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए चंपई दा। अपने पैर पे अगर कुल्हाड़ी मारने की बात आएगी तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आखिर उन किस तरफ से जाते हैं, किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन संकेत जो है बीजेपी में जाने की तैयारी हो चुकी है और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से एक बयान भी आ चुके हैं बीजेपी के, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कुछ गतिविधियां तेजी से और बदलती नजर आ रही है। बटर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएमएम से हैं, लगातार हम बातचीत करते हैं जब जेएमएम की तब कई चीजों की जिक्र होती है और उसमें सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जो झारखंड में गुरु जी के सानिध्य रह चुके आंदोलन कारी के रूप में जाने जाने वाले लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, उनके मुद्दे एक थे, उनकी मनसा एक थी राज्य को अलग करना और साथ साथ राज्य के हित में बातचीत करना। चंपई सोरेन के बाहर जाने के बाद से क्या लगता है बटर जी, किस तरीके की परिस्थितियां पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही हैं? ये तो लगता है कि एक उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी कि शायद इतने बड़े कद्दावर नेता इस तरीके से आज के परिवेश में पार्टी बदल सकते हैं और बीजेपी जैसे पार्टी में जाने को तैयार हो सकते हैं। क्या लगता है कि जेएमएम किस रूप में अब अपने आप को आकलन करेगी? हेलो, चलिए जरा बटर जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका ऑडियो शायद नहीं मिल पा रहा है, चलते हैं जरा अब चलते हैं जरा अशोक जी के पास। अशोक जी, लगातार बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं, जिस तरीके से राज्य की जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं तमाम चीजों का जिक्र पहले भी करती रही हैं, कई चीजें फिर से एक बार सामने आती नजर आ रही हैं। चंपई सोरेन के प्रकरण को किस रूप में बीजेपी लेगी, क्योंकि लगातार अब ये भी कहा जा रहा है जेएमएम के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कि पहले ही संकेत दिए जा रहे थे कि बीजेपी कई नेताओं को संपर्क में रखे हुए है या फिर कई नेता संपर्क में है जो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अब आप लोग इसे किस रूप में देखेंगे, क्योंकि चंपई के आने के बाद से एक नई राजनीति भी देखने को मिलेगी कुछ इलाकों में राज्य के, और साथ साथ आरोप भी कहीं न कहीं बीजेपी पे लगते नजर आ रहे हैं।
राकेश जी, देखिए कोई परिवार का सदस्य होता है और काफी पुराना सदस्य, जिस परिवार को खड़ा करने में जिसके महती भूमिका रही है, वो अगर उस परिवार को छोड़कर जाता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। या तो वो व्यक्ति जिसने उस परिवार को खड़ा किया है वो उस परिवार के अंदर में जो व्याप्त जो बिचौलिए भ्रष्टाचार और जो एक कॉर्कस है उसके बीच वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, उसके बीच अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, उसके बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा। और छोड़ा तो उन्होंने अपने व्यथा झारखंड की जनता को बताया है कि किस तरह से लोग बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको मुख्यमंत्री बना रहे, उनको जन्मसिद्ध अधिकार है, गुरुजी के बाद अगर कोई बन सकते थे वो चंपई सोरेन जी बन सकते थे। आप देखिए कि किस तरह से राकेश जी नैतिक राजनीति के नैतिक पतन होता है, जिस चंपई सोरेन को चंपई दा कोल्हान टाइगर के नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बोलते थे, आज उनकी सरकार और संगठन को थोड़ा सा उन्होंने सत्य बात बताई, वो सरल व्यक्ति है, उनके उनके राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है, सामाजिक जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, वो किसी झारखंड के किसी भी राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता से अछूता नहीं है, झारखंड के सभी लोग जानते हैं। लेकिन किस तरह से उस सरल व्यक्तित्व वाले इंसान को उन लोगों ने किस तरह से उनको अपमानित प्रताड़ित किया, कभी उनको विभीषण बोलते, कभी धृतराष्ट्र बोलते, कभी घर के भेदी लक्का ढाई बोलते हैं, कभी और बिना पेंदी का लोटा कहते, कई अनाप शनाप शब्द उन जैसे राजनेता के खिलाफ बोला गया है, लेकिन वो कभी कोई काउंटर उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश जी, अभी जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो तिलमिलाहट वो साफ देखने को मिल रही है, और ये तिलमिलाहट इससे पता चलती है कि वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक मर्यादा को पूरा बोलते ना तार तार करते हुए वो उस कदम को आगे बढ़ा दिए। क्या हुआ चंपई सोरेन जी, अरे लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अगर मान लेते मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहना है, हमको भारतीय जनता पार्टी में जाना, हमको कांग्रेस में जाना है, तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको स्वतंत्रता है, लोकतंत्र उसको परमिट करता है, अधिकार देता है। लेकिन जिस तरह से राकेश जी उन्होंने लोकतंत्र और बोलते ना संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करते हुए चंपई सोरेन जी के पीछे में जिस तरह से आरोप लगाया, उनके फोन टैपिंग कराए, उनके पीछे स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी को लगाया, मतलब एक एक स्पाईगिरी किया गया है, यही बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अंदर क्या तिलमिलाहट है। अरे साहब, वो आप उनको प्रताड़ित अपमानित किए, वो अपने दूसरे घर की तलाश में निकले हुए थे, तो आप उनके पीछे में कौन सा आप ऐसा था कि आप उसके पीछे हनी ट्रैप में आप उसको फंसाना चाह रहे हैं, आप उसको फोन टैपिंग करवा रहे हैं, आप उसके पीछे आदमी लगाए हुए स्पेशल ब्रांच का। देखिए राकेश जी, यही बताता है, ये तिलमिलाहट बताता है कि आप चंपई सोरेन जी से कितने डरे हुए हैं, एक एक मिनट किनसे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी होने वाला है, ये सभी गतिविधि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास रख रहे हैं अपने स्पेशल ब्रांच के माध्यम से। तो ये बताता है राकेश जी कि चंपई सोरेन जी के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने से और चंपई सोरेन जी के अगला कदम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कितने खलबली मची हुई है, ये आज के जो घटना से साफ पता चल गया। हेमंत शर्मा जी ने आरोप लगाया, बाबूलाल मरांडी जी ने आरोप लगाया है कि किस तरह से सरकार की तिलमिलाहट बौखलाहट ये साफ दिखाई दे रही है, और उन्हें मांग भी किया है कि जो स्पेशल ब्रांच के एडीजी उनको तत्काल निलंबित किया जाए और सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। साहब, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री का आप जांच करा रहे, वर्तमान वो कैबिनेट मंत्री है, क्या गारंटी है कि सरकार में व्याप्त सभी मंत्रियों का, सभी विधायकों का, सभी सांसदों का वो फोन टैप नहीं हो रहा होगा, उनके पीछे स्पेशल ब्रांच का आदमी नहीं लगाया गया है। राकेश जी, ये सरकार अपने इर्द गिर्द वाले लोग का भी करा रही है फोन टैपिंग, उनको हनी ट्रैप में फंसाने चाह रही है, तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार को अपने लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। चलिए, तमाम चीजें चल रही थी और जिस तरीके से बार बार हम कह रहे थे, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा कमल जी के पास भी बातचीत करते हैं। कमल जी, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कोई घर छोड़कर जाना चाहे तो उसको क्या किया जा सकता है दूसरी पार्टी में, दूसरी चीजें कुछ आरोप लग रहे हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग लगाए जा रहे हैं, सरकार अपने मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, हनी ट्रैप जैसे मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस बात को भी जिक्र किया गया है, क्या लगता है कि सचमुच इस तरह की स्थिति राज्य में दिखाई पड़ती है, सचमुच ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही है क्या, कि आप लोग भी तो लगातार तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं? कमल जी, देखिए ये जो आरोप अभी लगा है या चंपई दा ने लगाया है तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन मुझे जो बात महसूस हुआ कि हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको ये धमकी दे दी कि अगर इससे ज्यादा आप कुछ मांगने का कोशिश करेंगे तो आपके पीछे इस तरह का हनी ट्रैप का केस करके फंसा दिया जाएगा।
ये सरकार के तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, ये उनको हेमंत जी का मंशा जो है, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो ये तय कर दिए कि अगर चंपई दा जादे अगर उड़ने का कोशिश करेंगे तो उनको हनी ट्रैप में फंसा दिया जाएगा। अब जो कोल्हान टाइगर है ना जी, वो एक पतली सी रस्सी में वो टाइगर बंधा हुआ है और उसको उतना ही दिया जाएगा छूट कि जितना वो बीजेपी को कुछ नुकसान न पहुंचा सके। आप बार बार बोलते हैं, अरे आप अगर हेमंता बिस्वा सरमा 6 महीना से किसी मुख्यमंत्री के कांटेक्ट में है तो क्या पार्टी को संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए? और आप अगर आप बहुत आपको मान सम्मान की चिंता है, बीजेपी को भी है या चंपई दा को है, तो सबसे पहले तो उनको मंत्रिपरिषद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो आप दोनों चीज चाहिए, आपको गुड़ भी चाहिए, गुलगुला भी चाहिए। रही बात के पास भी आते हैं, रही बात परिवार में, एक छोटा सा रही बात परिवार में, चाणक्य ने एक बात बहुत अच्छा बात बोले हैं कि जब अपना परिवार अप्रिय लगने लगे तो समझिए उस आदमी का नाश निश्चित है। चलिए आते हैं, अभी बहुत शीर्ष राजनीति की बात करेंगे, मुद्दों की भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बटर जी बने हुए हैं, बटर सिंह देओल जी, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के अंदर खाने में ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे इस तरह के बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं एक रोष दिखाई पड़ रहा है। एक तो छोटी घटनाक्रम जरूर कही जा सकती है जिसको लेकर शायद ये इस पे चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन आप लोग लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कई महीनों से बीजेपी के संपर्क में चंपई सोरेन थे। क्या बटर जी, क्या लगता है कि सचमुच ऐसी स्थिति नजर आ रही थी? चंपई सोरेन लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और खास करके इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, क्या तर्क और तथ्य दिखाई पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो राकेश शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ठीक है, चंपई सोरेन जी, हमने उनको सीएम बनाया, हमने उनको वो पद दिया जो एक स्टेट में सबसे शीर्ष पद होता है, बट उसके बाद जब उनको हटने के लिए कहा गया तो उनका कहीं मन, कहीं ना कहीं उनका मन डोलने लगा पार्टी की तरफ, जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं रही। और अब देखिए, आज जो स्पेशल ब्रांच की हेमंता बिस्वा सरमा बात कर रहे हैं बार बार, तो जिसको कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो स्पेशल ब्रांच जो स्टेट की होती है उसका काम क्या होता है? एक तो पहले तो पुलिस ने 1861 के एक्ट से पुलिस फोर्सेस का जो भी पावर्स है वो एक नोटिफिकेशन से बना हुआ है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें स्पेशल ब्रांच भी है। जैसे सेंटर में आईबी होती है, यहाँ हमारे हर स्टेट में स्पेशल ब्रांच होता है। तो स्पेशल ब्रांच का काम ही है सारी गतिविधियों पे नजर रखना, पॉलिटिकल गतिविधियां, टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट गतिविधियां, सारी जो भी एक स्टेट को, स्टेट की पीस को अपसेट कर सके। तो बीजेपी आज जो हमको बोल रही है, तो बीजेपी का मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जरा टाइम दीजिएगा मुझे 2 मिनट। महाराष्ट्र 2020 में जब इन्होंने सरकार गिराई तो ओपनली सारे न्यूज चैनल्स में भी आया और आरोप भी यही लगा कि इनके सारे जो ऑपोजिशन, जैसे इंडिया गठबंधन के नेता थे, एमपी थे, उनपे एमएलए थे, उनपे स्पेशल ब्रांच के द्वारा और स्पेशल ब्रांच के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई कि तुम ज्वाइन करो। टीएमसी वेस्ट बंगाल 2019, वहां भी सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके टीएमसी ममता बनर्जी के सारी सरकार के मंत्रियों पे नजर रखी जा रही है। कर्नाटका में जब इन्होंने सरकार गिराई, ऑपरेशन लोटस हुआ, तब भी ये स्पेशल ब्रांच पे यूज किया गया, बीजेपी ने यूज किया ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए डिफेक्शंस की, नहीं आप ज्वाइन कीजिए। और दिल्ली में तो 2016 से जब से आपकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में पुलिस बीजेपी की है, तो उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो ही रहा है। और मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, पेगासस स्कैंडल 2021 बीजेपी का, वो आज तक वो लेडी आर्किटेक्ट नहीं मिली जिसको मोदी जी, स्नूप गेट जिसको बोला गया था अमित शाह जी को कि इसको एक एक इसकी गतिविधियों पर नजर रखो। उसके बाद राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार को गिराना था, तब भी सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके, तो ये देखिए ये बीजेपी आज तक यूज करती आ रही है। तो उन्होंने आज एक मनोहर कहानियां बना ली कि नहीं दो ये
तो स्पेशल ब्रांच का तो काम ही है, स्पेशल ब्रांच झारखंड में क्या हो रहा है, अगर सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है जो बीजेपी कर रही है तो क्यों नहीं स्पेशल ब्रांच नजर रखेगी। और जो लड़की की बात कर रहे हैं, ये लड़की की बात हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी से ही इसका जवाब लेते हैं, ये सब उन्हीं की करनी धरनी है। देखिए आप आज चलिए जरा बात कर लेते हैं, चलिए कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, मैंने नहीं बोला बहुत लोगों के बीच में। जी जी देखिए चंपई सोरेन जी ने तो देखिए इंडिया की हिस्ट्री है डेजर्टर्स की, जो अपना जिसके तरफ निष्ठा होती है उसको छोड़ के अपनी कुर्सी के लिए छोड़ के जाना, तो उसमें सबसे फेमस है। तो आज चंपई सोरेन जी को जो ऑनर मिला है, मैं वो ऑनर बताता हूँ किसके साथ किसके लेवल पे वो आ गए हैं। वो मीर जाफर के लेवल पे आ गए हैं, वो कन्नौज के जयचंद के लेवल पे आ गए हैं जिस पृथ्वीराज चौहान को बिट्रे किया, वो संग्राम सिंह के लेवल पे आ गए हैं जिसने राणा सांगा को बिट्रे किया, वो विभीषण के लेवल पे आ गए हैं जिसने रावण को बिट्रे किया, वो किंग जयपला के नोबल्स के लेवल पे आ गए हैं जिसने जिन्होंने किंग जयपला जो हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था उसको बिट्रे किया। मीर कासिम, देखिए इनका भी हाल मीर कासिम की तरह होगा क्योंकि मीर कासिम ने मीर जाफर को बिट्रे किया था, फिर मीर कासिम के साथ भी बिट्रेयल हुआ। रघुनाथ राव मराठा लीडर थे है ना, उनको बिट्रे किया गया। हर्षा थे नॉर्थ इंडिया के सेवेंथ सेंचुरी के लीडर, उनको बिट्रे किया गया। प्रिंस खुर्रम शाहजहां के प्रिंस थे, उसने उनको बिट्रे किया। और सबसे बड़ी बात माधव राव वन, एक माधव राव सिंधिया हमारे यहां भी है जिसने बिट्रे किया इंडिया गठबंधन को, एक माधव राव वन थे जिसको नाना फडणवीस ने बिट्रे किया और अभी एक फडणवीस महाराष्ट्र में है ही है। और चाकुलिया डायनेस्टी के कुमार पाला और महाराणा प्रताप के नोबल्स ने हल्दी घाटी की लड़ाई में उनको बिट्रे किया। चलिए तो कई उदाहरण तो हो गए बटर जी, मुझे लगता है कि लगातार ऐसे कई उदाहरण मिल पाएंगे, लेकिन झारखंड की राजनीति में अगर इस तरह की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं मीर जाफर की चर्चा और विभीषण जैसे कहीं ना कहीं नाम आ रहे हैं सामने और उसके तर्ज पे जाने की बात कही जा रही है। जरा चलते हैं जरा अशोक जी के पास। अशोक जी आप शायद आवाज सुन पाए या नहीं सुन पाए, मुझे शायद जानकारी नहीं मिल पाई। बटर जी ने कई बातों का जिक्र किया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से स्पेशल ब्रांच के लोग वहां पे दिखाई पड़े तो उनका तो काम ही है, ऐसा जो परंपरा पहले रही है। कई राज्यों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सेंट्रल एजेंसियां पहले से इस तरह के माहौल को बनाती रही हैं, तो आज अगर हेमंत सरकार की तरफ से उनके जांच एजेंसियां या फिर उनके स्पेशल ब्रांच के लोग जा रहे हैं सरकार को अस्थिर होने से रोकने के लिए, तो क्या उनका तो कर्तव्य है, उनकी तो काम काज है, क्या लगता है कि आप लोग भी इसे इसी तरह से सोचते हैं? राकेश जी आज चंपई दा का जिस तरह से टीवी 45 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के द्वारा अपमानित किया गया, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सिर्फ सोरेन परिवार ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आदिवासी नेता है। अरे साहब कोई लोकतंत्र में किसी को कहीं भी जाने का अधिकार है, आप उसको जयचंद औरंगजेब और कई तरह से आप उनको उदाहरण देकर चंपई दा आदरणीय है, उसके व्यक्तित्व को यहां झारखंड के किस दलगत भावना से ऊपर उठ के यह राज्य की जनता उनको सम्मान करती है, और किस तरह से टीवी 45 में चंपई दा को एक आदिवासी नेता को एक गरीब शोषित समाज का आदमी जो उठ के मुख्यमंत्री पद जैसा पद को सुशोभित करता है, समाज का बीड़ा अपने हाथ में उठाता है, तो ऐसे ऐसे लोगों के मानसिकता खुलकर सामने आती है कि कैसे कोई सोरेन परिवार का बाहर का नेता को ये लोग पचा नहीं पाएंगे। अगर कोई अरे राजनीति में किसी को कहीं भी जाने का अधिकार है साहब, अगर आपके नजर में चंपई सोरेन जी जयचंद है, आपके नजर में औरंगजेब है, आपके नजर में कई तरह से घर की बेदी ढंका लाए लंका ढाए है, धृतराष्ट्र है, विभीषण है, बिना पेंदी का लोटा है, आपने क्या क्या नहीं बोल के आदिवासी नेता को इस झारखंड राज्य जो जो भगवान बिरसा मुंडा तिलका मांझी सिद्धो कानो चांद भैरव तेलंगा खड़िया वीर बुधु भगत जतरा टाना भगत दिलांबर पितामर जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष के बलिदान से बना गया है, आप उसके वंशज को जयचंद बोलेंगे, आप उसके वंशज को अभिभीषण बोलेंगे? यही राकेश जी इसी चीज की हम लोग को बहुत बोलते हैं ना, हम लोग के मन बहुत विचलती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ शिबू सोरेन ही उसके लिए नजर में आदिवासी नेता है, सिर्फ हेमंत सोरेन ही आदिवासी नेता है, सिर्फ बसंत सोरेन ही आदिवासी नेता है। अरे साहब आप कभी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बोलेंगे क्या वो आदिवासी समाज की बेटी नहीं है? आप कभी बाबूलाल मरांडी जी के बारे में बोलेंगे क्या वो आदिवासी समाज का बेटा नहीं है? क्या आप किसी अन्य आदिवासी समाज के नेता के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिएगा?
अब आप चंपाई सोरेन जी पांच दिन पहले तक आप चंपाई दा थे, सम्मान्य थे, चंपाई दा थे, कई तरह से सम्मानजनक शब्द का उपयोग करते थे। आज साहब लोकतंत्र के लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था जो उनको अधिकार दिया गया है कि कोई किसी भी दल में जाकर चुनाव लड़ सकता है, आना जाना कर सकता है, साहब पांच दिन पहले आप सम्मान करते थे, अब पांच दिन के बाद आप उनको जयचंद बोलकर अपमानित करेंगे, आप उनको विभीषण बोलकर अपमानित करेंगे। राकेश जी, आदिवासी समाज जो झारखंड में 28% है, जो झारखंड की राजनीति की दशा दिशा को बदलती है, जो भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव, तेलंगा खान खड़िया जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष के बलिदान से सींची गई है, उस आदिवासी समाज के जो जो बोलते हैं ना उनके वंशज का किस तरह से अपमान आपके चैनल में हुआ है, मैं इसका खंडन करता हूं। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन किसी आदिवासी समाज, आदिवासी मैं भी आदिवासी समाज से आता हूं कि कितना उनको सामाजिक पीड़ा, सामाजिक आर्थिक कई तरह से बैरियर को पार करके जब उस जगह पे पहुंचता है तो उसका सम्मान करनी चाहिए राजनीति और दलगत भावना से ऊपर उठकर। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आत्मचिंतन करनी चाहिए कि सिर्फ सोरेन परिवार ही आदिवासी नेता नहीं है, और भी कई लोग आदिवासी नेता है, उनके प्रति भी सम्मानजनक शब्द का उपयोग करनी चाहिए। राकेश जी, आज राज्य की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख ली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मानसिकता को भी समझ गई है, और आने वाले चुनाव में यही 28% आदिवासी मतदाता इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। राकेश जी, चलिए हम बात करेंगे तमाम चीजों पे, लेकिन अभी लगता है कि समय की थोड़ी कमी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विषय बड़ा है, चीजें सामने सब चीज नहीं आ पाई है। थोड़ा हम चाहेंगे अपने पीसीआर के टीम को कि थोड़ा समय हम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाकर थोड़ी देर और इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बातें अभी भी अनछुई रह गई हैं। जरूर बटर जी हमारे साथ बने हुए हैं। बटर जी, जिस तरीके से कई बातों का जिक्र किया है, बटर जी, अशोक जी बीजेपी की तरफ से जो हमारे साथ बैठे हैं, उनकी उनके जो बयान आए हैं, उनकी जो बातें सामने आई हैं, उसको जरूर सुना होगा आपने, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से जेएमएम पर उन्होंने प्रहार किया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि आदिवासी नेताओं में अगर बातचीत की जाए तो सिर्फ उनको अपने ही नेता समझ में आते हैं, क्या बाकी के लोग आदिवासी नेता नहीं है, इस तरीके के वर्ड, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है, जब एक समय चंपई दा के नाम से जाना जाता था उनको, और आज पार्टी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या लगता है कि सचमुच आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं? और तमाम चीजें तभी कहा जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल की बात है, लेकिन आप लोगों को रोकते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं, थोड़ा इसको और थोड़ी देर तक चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अभी ताजा खबर आई रहे थे राजनीतिक जगत में, और आप चलते हैं जरा बटर जी के पास चलते हैं सबसे पहले, फिर हम कमल जी के पास भी चलेंगे और थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बटर जी, जिस तरीके से आपने कई बातों का जिक्र किया था, कुछ उदाहरण भी दिए थे, जिस तरीके से बीजेपी पूरे मामले को देखकर बता रही है, आप जरूर उनकी बातों को सुने होंगे या फिर नहीं सुन पाए हैं, तो जिस तरीके का उदाहरण दिया है उन्होंने कि सिर्फ आदिवासी नेताओं की बातचीत की जाए तो सिर्फ सिबू सोरेन के साथ साथ बाकी उनके परिवार के लोग या जेएमएम के लोग ही आदिवासी के नेता नहीं है, बाकी जगहों पर भी आदिवासी नेता मौजूद हैं, क्या लगता है कि जेएमएम ऐसा सोचती है क्या? जेएमएम एक बड़ी पार्टी है, आदिवासियों के रूप के हित की बात लगातार करती है, जल जंगल जमीन की चर्चा करती है, ऐसी स्थिति नजर आ रही है जिस तरीके का जिक्र अब होता नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र अशोक जी की जी। जो उनकी करुणा निकली कि आदिवासियों को जयचंद से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो देखिए बहुत मतलब सॉरी हो के मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो आदिवासी समाज है वो बिरसा मुंडा, फूलो झानो और इतने वीर लोगों का आज तक हमारे पास एग्जाम्पल ही है नहीं है। अभी लेटेस्ट में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जैसे एग्जाम्पल आए हैं जो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए समाज को धोखा देके दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो सॉरी अशोक, मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था क्योंकि आदिवासी समाज इतना अपने वादों का और अपने वचन का पक्का होता था, पर उनके भी धीरे धीरे कुछ लोग निकल रहे हैं जो अपने आप को आदिवासी समाज से ऊपर अपनी बेनिफिट्स को ज्यादा रखते हैं, तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। मैं इसलिए नहीं एग्जाम्पल दे सका क्योंकि हिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, इसलिए मैंने दूसरों का एग्जाम्पल दिया। और रही बात देखिए, सरकार किसकी बनती है? पब्लिक वोट देती है तब सरकार बनती है, वी द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो झारखंड में ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन छोड़ के, सोरेन गुरु जी का परिवार छोड़ के कोई नेता नहीं है, तो उन 28 सीटें रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए, क्या 2800 सीटों पे गुरुजी ने इलेक्शन लड़ा कि हेमंत सोरेन ने इलेक्शन लड़ा? 28 में से, और
और हमारी पार्टी एक ऐसी है जो जनरल सीट से भी आदिवासी जीत के आया है कल्पना सोरेन, तो 22 हमारे ट्राइबल विधायक है इनके साथ है और ये बोलते हैं कि ये आदिवासियों के नेता है, तो क्या मुंह से बात करेंगे, डेटा बताया करिए ना। खाली बैठ के बड़ा बड़ा जापने से और आवाज ऊंची कर देने से डिस्कोर्स का सच्चाई नहीं छुपती, आप आंकड़ों पे बात कीजिए, है कि नहीं हमारे 22 विधायक ट्राइबल और इनके कितने हैं 7 और फिर बोलते हैं कि इनके ये ट्राइबलों के नेता है, तो क्यों नहीं पब्लिक ने वोट दिया इनको, क्यों हमारे 22 विधायकों को वोट दिया इनको वोट नहीं दिया, इनके भी तो 22 कैंडिडेट खड़े हुए होंगे, पूछिए इनसे जी। चलिए बटर जी आते हैं आपके पास, फिर आएंगे जिस तरीके का माहौल। कमल जी अब सारी चीजों को देखते हुए, तमाम चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, हम दो चीजों का जिक्र करना चाहेंगे। एक तो कोल्हान इलाके की चर्चा शुरू हो गई है, साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि संथाल इलाके की चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, गठबंधन दल किस तरीके से बातचीत कर रही है, कोल्हान पे चर्चा चल रही है, कोल्हान की 14 सीटों की जब बातचीत करते हैं, तो आज के परिवेश में ये भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के जाने के बाद से और आपकी पार्टी के गीता कोड़ी कोड़ा के छोड़ने के बाद से किस तरीके की परिस्थितियां बदल रही हैं। बीजेपी के लोगों का दावा है कि शायद अब उस इलाके में पूरी तरह से एक बार बदलाव देखने को मिलेगा, आप लोग इसे किस रूप में लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार अभी इसकी चर्चा हो रही है। देखिए राकेश जी, उधार के सिंदूर से कोई सुहागन नहीं होता है और बीजेपी उधार के सिंदूर पर चल रही है, चंपई के आने और जाने से जी कोई अंतर नहीं पड़ेगा इन सीटों पर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जिस दल से पहले थे वो दल का ही निर्माण हुआ था आदिवासियों की सुरक्षा के लिए और आप उसी को लात मार के चले गए, तो आदिवासी समाज तो आपके खिलाफ हो गया उसी दिन। उसी दिन वो ठीक बटर जी ने कहा, देखिए मैं बड़े नेता हैं, सम्माननीय हैं, मैं वो बात नहीं बोलूंगा, लेकिन बटर जी का जो बात है वो एकदम सच है कि आपने घर का जो स्थिति है, आप अपने घर को नहीं रहे तो किसी और का क्या बनिएगा। सीता सोरेन गई चुनाव हार गई, गीता कोड़ा गई चुनाव हार गई, चंपई दा के साथ भी वही होगा। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी में सम्मान उन्हीं लोगों का है जो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, जैसे हेमंता बिस्व शर्मा अभी कल अपने राज्य में भाषण दे रहे थे कि मियां क्या क्या बोल रहे थे, तो आप इतने बड़े वहां आपके जोगी जी हैं बोलते हैं कि एक साथ रहो नहीं तो कटोगे, ये मुख्यमंत्रियों की भाषा नहीं है। चंपई दा गलत ट्रैप में चले गए और उनको हनी ट्रैप और दुनिया ट्रैप में दूसरे दल नहीं फंसाएंगे, उनको बीजेपी के लोग ही फंसाएंगे। इसलिए फंसाएंगे कि जो बीजेपी में पहले से लोग हैं आदिवासी नेता, क्या वो दरी बिछाने के लिए केवल हैं? आप बाहर से आयात कर लीजिए और चुनाव लड़ा दीजिए, आप बाकी लोग क्या करेंगे। तो चंपई दा ने, मैं पहले ही संबोधन में कहा कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं, वो निश्चित रूप से जितने बटर जी ने संबोधन दिया है वो सारा चीज उन पर लागू हो सकता है। बीजेपी इसलिए लागू होगा क्योंकि आपने धोखा दिया है, पिछले 6 महीना से पार्टी को आप धोखा दे रहे थे और धोखे अगर दिए हैं तो आपके साथ जो होना चाहिए हो रहा है। अशोक जी, कई सवाल अब आ रहे हैं, खास करके आज जेएमएम की तरफ से भी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हैं, कई सवाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों पे लगातार आरोप भी लगाने की कोशिश की जा रही है, आपने जो उदाहरण दिए थे उसको भी खारिज करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि सचमुच आप लोग हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति पूरी करते हैं, जिस तरीके के लगातार आरोप लगते रहे हैं? आदिवासियों की जब चर्चा होती है तो आदिवासियों के हित की बात की जाती है, 14 सीटों पर कब्जा जमाने की तैयारी है, क्या लगता है कि सचमुच इसी तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है क्या? राकेश जी, दो तीन बातें सामने आई है जेएमएम के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के तरफ। मैं पहले जेएमएम के प्रवक्ता का मैं उत्तर दे दूं, उसका कांग्रेस के प्रवक्ता को उत्तर दूंगा। जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि 28 में आप 26 सीट हार गए, वो 22 आंकड़ा बता रहे थे, झारखंड में विधानसभा ट्राइबल आरक्षित सीट 28 है और झारखंड में लोकसभा में ट्राइबल सीट 5 है। देखिए राकेश जी, 28 में हम स्वीकार करते हैं लोकतंत्र
ये लोग चुनाव आयोग पे बार बार प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन जब 28 में 26 सीट जीतते हैं तो उस समय ईवीएम भी ठीक हो जाता है, चुनाव आयोग भी ठीक हो जाता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। हम लोकतंत्र में सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, सभी एजेंसियों का सम्मान करते हैं, ईवीएम का भी सम्मान करते हैं। हमने स्वीकार किया कि 28 ट्राइबल सीट में हम लोगों ने 26 हारा, दो सीट जीते हैं, तोरपा और खुट्टी, और 26 सीट हम लोगों ने हारा है, उसमें कुछ कांग्रेस जीती है, कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट जीती है। लेकिन राकेश जी, मैं थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को इतिहास याद दिला दूं, अगर आपके नजर में यही पैमाना है आदिवासी नेता होने का, तो आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी तमाड़ में कौन सा उनको माला पहनाया गया था? उनको राजा पीटर, एक साधारण सा आदमी, उनको चुनाव हरा दिया था। उस समय क्या था? उस समय तो चुनाव हार गए थे, उनका लीडरशिप खत्म, आदिवासी नेतृत्व खत्म। उसके बाद उसे पहले जाइए इतिहास में, 1998 आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी शिबू सोरेन को हराने का काम किए। उसके बाद आइए 2019 आदरणीय सुनील सोरेन जी उनको हराने का काम किए हैं। तो आपके उदाहरण के अनुसार अगर 28 में 26 सीट बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी तो आदिवासी का नेतृत्व तो नहीं करती, आदिवासी हमको स्वीकार नहीं करते हैं। तो थोड़ा जाके गुरुजी के भी बोलिए, हेमंत सोरेन जी को भी बोलिए, हेमंत सोरेन जी को भी डॉक्टर लुईस मरांडी हराने का काम की थी दुमका से। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको 2014 में आप आदिवासियों के नेता नहीं थे, 2019 में आप आदिवासी के नेता नहीं थे। तो देखिए, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है, बड़े बड़े सुरमाओं ने भी लोकतंत्र में हाशिए पे चले गए थे, लेकिन पैमाना ये होगा तो इंगली हमारे तरफ करेंगे तो चार उंगली आपके तरफ भी जाती है, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता चुनाव हारे हैं, इसको भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि चलिए वो गए हैं, बाकी सभी उदाहरण उनके ऊपर लागू होता है, तो और भी बाकी उदाहरण लागू होता है इनके इनके ऊपर में, कांग्रेस के ऊपर में। अरे भैया, आपके तीन तीन विधायक के ऊपर में आपके विधायक FIR किए थे, उस समय वो घर के भेदे लंका ढाए नहीं थे, क्या करने गए थे वो कलकत्ता में? इतनी महंगा साड़ी, तीनों मान्य विधायकों की पत्नियां इतनी महंगा साड़ी पहनती है कि 50-50 लाख की साड़ी खरीदने गए थे आप, और वे नगद लेके, यानी आपके पास कोई अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं था। और आपके FIR करने वाले आपके कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी, क्या हुआ जीरो FIR का? क्या हुआ? आपके जांच कमेटी बनी थी, उस कमेटी का क्या हुआ? राज्य की जनता देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि आप तीनों विधायक के खिलाफ FIR किए थे, आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी बनी थी, उस जांच रिपोर्ट को राज्य की जनता पूछ रही है क्या है? तो थोड़ा कांग्रेस को भी आप चिंतन करनी चाहिए कि तीन विधायक जो घर की बेदी लंका ढाई करने गए थे, वो जयचंद नहीं है क्या? इरफान अंसारी जी जयचंद नहीं है? उस जयचंद को तो आपने माला पहनाकर मंत्री बना दिया। उस राजेश का छपी जो पकड़ाए थे, वो नमन विशाल कोंगाड़ी पकड़ाए थे, वो जयचंद तो आपके लिए अच्छे हो गए, वो दाग अच्छे हैं, लेकिन ये अशोक जी, कमल जी, आपके सवाल, आपके सवालों का जवाब, वो जयचंद है तो आपके भी तीन विधायक जयचंद है। कमल जी के पास आते हैं, कमल जी, क्या लगता है कि सचमुच इसी तरह की राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप के बीच चलेंगे या फिर मुद्दों की भी बातचीत की जाएगी? अशोक जी जो बात बोल रहे हैं वो तीनों विधायक को कोर्ट ने बरी कर दिया, उनके जो पैसे जब्त हुए थे उसको लौटा दिया। अब उस पर बात करना, ये देखिए इनकी फितरत क्या है कि ये लोग बिना जानकारी का भी बात बता देते हैं और चैनल में आपके जैसे चैनल में आके बोल देते हैं। जिन तीनों विधायक का इनाम लिया, तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया, उनके पैसे को भी लौटा दिया। अब बात आप जो चंपई दापर हो रहा है ये, हम लोग वही रहे, मुद्दा तो वही है, 14 सीटें क्या होगी दुल्हन की हम बातचीत करें, 14 सीटों पर फिर कांग्रेस और जेएमएम का विधायक जीतेगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो हमने वादा किया राज की जनता से उसको पूरा करने का काम किया। अभी आपके चैनल में चल रहा था कि पारा शिक्षकों का ईपीएफ 3,950 रुपया, जिसमें 3,000 सरकार देगी, 950 रुपया उनके पेमेंट से कटेगा। तो सरकार का मतलब होता है कि जनता के बातों पर खरा उतरना। आपने जनता, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं कि मैं तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल या चंपई सोरेन के कार्यकाल के बारे में बता सकता हूं कि ये योजनाएं धरातल पर आई और कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं भी हुई है। लेकिन आप है, जब इनके रघुवर दास थे 2014 से 2019, आप एक योजना का नाम बता दीजिए। अभी तक कोई प्रवक्ता बीजेपी का इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, एक योजना का नाम बता दीजिए। हाँ, एक योजना हुई थी, मैं उसको याद करता हूं, वो हाथी को उड़ा दिए थे, जीवन में पहली बार हाथी उड़ते हम लोग देखे थे। तो आपका हाथी उड़ा, कहां बैठ गया, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप बता दीजिए।
उस हाथी के उड़ने से राज्य को क्या भला हुआ ये बता दीजिए। तो आप अनर्गल बात मत कीजिए। चंपई दाने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, चंपई दाने धोखा दिया है जेएमएम को, चंपई दाने मुख्यमंत्री काल के समय से ही धोखा देते आ रहे थे जिसका परिणाम आज दिख रहा है। चलिए बटर जी से भी इसी तरह का सवाल लेते हैं। बटर जी, खास करके चंपई जी के जाने के बाद से क्या लगता है कि 14 सीटें जो है कोल्हान की, उसको जेएमएम किस तरीके से देख पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी चर्चा चल रही है कि चंपई कई सीटों पे प्रभावित कर सकते हैं, कई सीटों पे कहीं ना कहीं कब्जा जमाया जा सकता है और बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अब चुनावी मैदान में जाने को तैयार है। क्या लगता है कि सचमुच चंपई जी के जाने के बाद से किस तरीके की स्थिति कोल्हान में दिखने को मिलेगी? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि चंपई दा अपने पर्सनल रीजंस के कारण, वो क्या है वो वही बता सकते हैं, वे हैं। उनका कोई इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, तो मैंने कल भी किसी इसमें कहा था कि जब अभी लोकसभा के इलेक्शन में तो चंपई दा के ही विधानसभा क्षेत्र में हमें सबसे कम वोट मिले थे, तो और बाकी जिनके क्षेत्र थे वहां ज्यादा वोट मिले थे। और देखिए, अशोक जी ने ठीक कहा कि ट्राइबल्स बहुत सीधे साधे होते हैं और वो धोखा बर्दाश्त नहीं करते, और जिस तरह से चंपई दा ने उनके प्यार को धोखा दिया है, झारखंड की जनता के, स्पेशली ट्राइबल जनता के प्यार को धोखा दिया है, तो वो याद रखेंगे। वो सिद्धू कानू बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं और धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो माकूल जवाब देंगे। आप देखिए, हमें नहीं लगता है कि ठीक है, बीजेपी जो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है वो तो सीता सोरेन जी को भी लेके गई, सीता सोरेन हार गई, वो गीता कोड़ा को भी लेके गई, गीता कोड़ा हार गई, आप चंपई दा को लेके गई है, तो जब मेरे को लगता है कि हैट्रिक बनेगी और जनता माकूल जवाब देगी, और हम फिर अभी ज्यादा देर तो है नहीं, 2 महीने में इलेक्शंस हैं, लेट्स सी क्या होता है। जनता के पास हम भी अपनी बातें लेके जाएंगे, बीजेपी तो अपनी बातें लेके जा ही रही है, इनके पास तो पूरा मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल आशीर्वाद भी है, ऊपर से डायरेक्ट आशीर्वाद है, जो कोई तुच्छ इंसान, हम लोग जैसा तुच्छ इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता जिनके अगेंस्ट में, और जिनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता, हमारी जीभ जल जाए उनके बारे में बोलने पे, तो वैसे लोग हमारे तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई और भी नेता जेएमएम के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री का ये भी जवाब दे देता हूँ कि बीजेपी 2 सीट पे भी थी लोकसभा में कभी, और इसका अस्तित्व ही नहीं था। हिस्ट्री की बात करें तो बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं था, तो नए नए जो मेंढक उगते हैं ना, जो नए नए जिसको कहते हैं मशरूम्स आते हैं, तो उनकी लाइफ उतनी ही होती है, आप देख लीजिएगा इनकी लाइफ कितनी। चलिए चलिए, जरा कमल जी के पास भी चलते हैं। कमल जी, थोड़ा अंतिम सवाल आपसे भी करेंगे, खास करके कोल्हान और खास करके संथाल, ये दो ऐसे इलाके माने जाते हैं जहां पे एक जगह 18 सीट, एक जगह 14 सीट, इन सीटों पे ये माना जाता है अमूमन कि इन सीटों को लेकर जिस तरीके से अगर चुनाव में प्रभाव पड़ता है तो उनकी सरकार बनती है। क्या इस बार आदिवासी वोट बैंक को लेकर, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को लेकर चर्चा चल रही है और सभी पार्टी इस पर ध्यान दे रही है, आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रही है, गठबंधन भी बातचीत कर रही है, अब चंपई दा के जाने से कितना प्रभावित होगा, आप लोग पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इनके जाने के बाद से, संथाल और कोल्हान इन दोनों इलाकों की अगर बात की, खास करके आदिवासी वोट बैंक पर? पार्टी से सूरज मंडल भी कहे थे, उनकी परिस्थिति को देख लीजिए, और ट्रेलर तो आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया, 5 जो सुरक्षित सीट है, 5ों सीट पर भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की जीत हुई, और पिछला रिकॉर्ड भी मेरा है कि 28 में से 26 हमने जीत हासिल की है, तो आदिवासियों का, लोकल मूलवासियों का विश्वास हम पर है, और उस विश्वास पर हम खड़े भी उतरे हैं, जो जो योजनाएं आदिवासियों के हित में है उसको हमने लागू कर दिया, और उसको हम पर विश्वास है। चंपई दा ने तो ये गलती कर दिया कि आदिवासियों के अस्मिता से ही खेल गए, तो आदिवासी भूलने वाले लोग नहीं हैं, इस बात को याद रखेंगे और उनको माकूल जवाब मिलेगा।
और मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार 28 में से 26 हम जीते थे, इस बार आपको बता देता हूं कि चंपई दा के इस कदम से 28 से 28 सीट जीतेंगे। चलिए जरा आते हैं अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। अशोक जी, हम आपसे जब जब बातचीत करते हैं तो दो चीजों पे बात होती है, खास करके आदिवासी इलाकों की बात करते हैं, आदिवासी वोट बैंक की भी बात करते हैं, बीजेपी के एजेंडों की भी बातचीत करते हैं, मुद्दों की भी बातचीत करते हैं। दो मुद्दे खास करके कितना प्रभावित कर सकते हैं, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बातचीत होती है, हालांकि इस बहस को उस पर नहीं ले जाएंगे, चंपई दास से जोड़कर ही देखेंगे अभी फिलहाल, और खास करके सरना कोड। ये दो मुद्दों को लेकर आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से आदिवासी वोट बैंक को लेकर आप लोग बातचीत करेंगे। 28 सीटों को लेकर जब बातचीत होगी, आदिवासी वोट बैंक को किस तरीके से आप लोग अपने पास देखेंगे, लोकसभा के चुनाव को परिणाम को लेकर बार बार यह भी चर्चा होती है कि आपके साथ आदिवासी नहीं है, क्या सचमुच ऐसी स्थिति है? देखिए राकेश जी, हम रोटी माटी और बेटी बचाओ का नारा के साथ इस चुनाव में हमारा यही नारा है कि रोटी माटी बचाओ, आदिवासी समाज का कैसे बचेगा। देखिए रोटी बचाओ का मतलब क्या है कि आप संथाल परगना सहित पूरे, आप देखिएगा लोहरदगा में किस तरह से आतंकी पकड़ा रहे, लोहरदगा में जिस तरह से मतलब कई ऐसे ब्लॉक है जो कहीं ना कहीं घुसपैठ के चपेट में, संथाल परगना तो पूरी की पूरी बांग्लादेशी पूरा चपेट में आ चुकी है, और वहां के ट्राइबल संस्कृति, वहां के ट्राइबल जो कल्चर्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, वहां ट्राइबल महिलाओं के साथ किस जिस तरह से लव जिहाद के माध्यम से शादी हो रहा है, उनके संपत्ति के कब्जा किया जा रहा है, उनके उनको उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनका उनके आरक्षित सीट पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, धीरे धीरे डेमोग्राफी जो जहां जाहिर थान होती थी, आदिवासियों का धार्मिक स्थल होती थी, आज वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, आज वहां कई तरह से अवैध रूप से मदरसा खुलते जा रहे हैं, तो इन सब चीजों का जो ट्राइबल जो बहुलता था वो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने किस तरह से डाटा के साथ में बताया है कि 1951 के जनगणना में जहां 54% थी वो घट के मात्र 26% आ गए संथाल परगना में, और जहां अल्पसंख्यक समुदाय 9% थे वो 18-20-22% आ गए हैं। तो इसकी चिंता कौन करेगा राकेश जी? इसकी चिंता जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, तो साहब क्या हम आदिवासी को नहीं बचाए? क्या हम बांग्लादेश की घुसपैठी के चपेट में अपने बहु बेटियों को छोड़ दे, वो उसको नोच खाए, उनके संपत्ति को कब्जा करे? देखिए राकेश जी, हम ये लोग बोलते ना रंगा सियार है, ये आदिवासी के नाम पर वोट बैंक लेते हैं कि आदिवासी के हित से झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन जब संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी की चर्चा होती है तो ये एक मुंह से एक शब्द नहीं निकालते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ, क्योंकि इनके ये वोट बैंक है। हम बात करते हैं भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी जो हमारे डेमोक्रेसी को खराब कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। तो साहब आप तो बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या हम आदिवासी बहु बेटी को छोड़ दे, उनके उनको उनको नोच खाने के लिए छोड़ दे उनके पास में? राकेश जी हमारा मुद्दा है, हम संथाल परगना ही ने पूरे झारखंड में मुद्दा है कि आदिवासी का संरक्षण संवर्धन कैसे हो, हम उसकी बहु बेटी रोटी माटी बेटी कैसे बचे, इस यही मुद्दा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार आप देखिएगा संथाल परगना कोलान सहित पूरे आदिवासी सीट में आदिवासी महिलाएं, जिस तरह से आदिवासी महिलाओं का इस पूरे 5 सालों में सरकारी झारखंड पुलिस के क्राइम रिपोर्ट करती है कि 7,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, उसमें सबसे ज्यादा संथाल परगना में दुष्कर्म की घटना घटी, उसमें भी कई केसेस बांग्लादेशी घुसपैठी उस घटना को अंजाम देने वाले थे। तो ये सब उदाहरण आपके पास में है, पुलिस की क्राइम रिपोर्ट कहती है, क्राइम डाटा कहती है, तो आप भाग नहीं सकते हैं। वो झारखंड हाईकोर्ट ने भी आपको कई बार सभी उपायुक्तों को बोला है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को चिन्हित करें, बताएं एफिडेविट करके कि क्या है मामला। तो देखिए छिपा हुआ नहीं है, ये भाजपा का मुद्दा नहीं है। अगर राकेश जी अगर भाजपा का मुद्दा रहता तो ये भाजपा सरकार में पाकुड़ में पीएफआई को बैन किया गया था, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया जो अवैध मदरसा बना रहे थे। खास करके अशोक जी, हम लोग और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, करती है इसका विरोध करते, समय की कमी है, लंबा बहस चल सकता है, मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे हम लोग, लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि खास करके चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता के जेएमएम के बाद से जाने के साथ साथ कई चीजें चल रही हैं कि आखिर बीजेपी में जाने की तैयारी है, और उस तैयारी के बीच सचमुच अगर कहा जाए तो आदिवासी वोट बैंक को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो सकती है। और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस समय ये माना जा रहा था कि शायद आदिवासी नाराज है, लेकिन मुद्दे भी कहीं ना कहीं
सामने आएंगे। मैंने जैसा कि जिक्र किया, बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के मामले को लेकर बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है, वहीं सरना कोड जैसे मसले पर भी चर्चा चल रही है और गठबंधन दल के तमाम लोग खास करके इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। संथाल और कोल्हान दोनों पर क्या कुछ असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात और सामने अभी हाल के दिनों में आई है कि दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है या हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के लिए एक विशेष ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि उनके हित की बात कैसे हो सकती है, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है। और ये जो ड्राफ्ट है, मुझे जो जानकारी मिली है कि शायद 2006 में ही ड्राफ्ट किया गया था और उस पर एक बार फिर से तमाम राज्यों से एक बार राय ली जा रही है कि आखिर राष्ट्र के आदिवासियों के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी लाई जा सकती है। चुनावी वक्त जरूर है और ऐसे मौके पे इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी तब पता चल पाएगा कि आदिवासी के हित में कौन आगे काम करने को तैयार है और किस तरीके से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो इनके भले के लिए सोच रहा है और आगे किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव है और ऐसे मौके पे जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो मुद्दे भी आएंगे और साथ साथ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते रहेंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।